आप लोगों ने कई फिल्मों में स्टंट्स और कार का ब्लास्ट होते देखा होगा और ये बहुत ही डरावना और एक्शन थ्रिलर विजुअल क्रिएट करता है। हालांकि आप लोगों को यही लगता होगा कि महज इन 5 से 10 सेकंड के सीन्स के लिए 10 से 20 लाख तक की कार या फिर बस को कैसे आग लगा दी जाती है और उसे क्यों ब्लास्ट कर दिया जाता है, महज इतनी कम समय के सीन्स के लिए कैसे इतनी महंगी कारों को उड़ा देते हैं और जला देते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि फिल्मों में ये कारों का ब्लास्ट होना या फिर कारों में जो आग लगाई जाती है वो कार या बस असली की नहीं होती है। फिल्मों में दिखाया जाने वाला वो कार ब्लास्ट का सीन स्टूडियो के अंदर ही ग्रीन स्क्रीन पर तैयार किए जाते हैं। फिल्मों के लिए हर तरह की कारों का डिजाइंस बनाकर छोटी छोटी नकली कारें बनाई जाती है और फिर फिल्म के सीन्स को असली दिखाने के लिए लकड़ी के एक कट्टे पर रोड की तरह मिट्टी भी डाली जाती है, जिससे ये नकली रोड भी असली की तरह दिखाई देने लग जाती है और फिर उस नकली रोड पर इन नकली कारों को असली कारों की तरह अलग अलग एंगल्स पर दिखाने के लिए इसकी पोजीशंस तैयार करके अलग अलग डायरेक्शंस में रखे जाते हैं और फिर जिस कार को ब्लास्ट करके उड़ाना होता है या फिर जिस कार को फटने का सीन्स दिखाना होता है उसको धागे से बांधकर हाथ की मदद से उड़ाया जाता है या फिर उसको उछाला जाता है और ये सीन्स को ग्रीन स्क्रीन पर कैमरे की मदद से रिकॉर्ड भी किया जाता है और फिर एडिटिंग के जरिए इन धागों को सीन से हटा दिया जाता है। जैसे ही धागों की मदद से कार को उछाला जाता है उसी टाइम उसके ऊपर मिट्टी भी गिराई जाती है ताकि बाद में फिल्म का ये सीन बिल्कुल असली दिखाई दे। और कई बार फिल्मों में ऐसा भी दिखाया जाता है कि बहुत सारी कारें एक साथ एक ही लाइन में चल रही है, ऐसे सीन्स को बनाने के लिए इन नकली कारों के नीचे से टेप के साथ जोड़ा जाता है या फिर धागों और तारों से भी बांधा जाता है और फिर ऐसे सीन को क्रिएट किया जाता है। बाद में एडिटिंग के जरिए इन धागों और तारों को हटा दिया जाता है जिससे ये सीन बिल्कुल असली सा दिखाई दे। फिर कार में आग लगी हुई दिखाई देने के लिए नकली कारों में जलती हुई धूप बत्ती रखी जाती है ताकि कार में शुरू शुरू में ही धुआं निकलता हुआ दिखाई दे और फिर कार को ब्लास्ट करने के लिए सभी नकली कारों पर पिघलता हुआ मोम डाला जाता है और इसमें आग लगा दी जाती है और आग लगी हुई गाड़ियों में टक्कर दिखाने के लिए खुद ही इसे फेंक कर टकराने का सीन क्रिएट किया जाता है और ब्लास्ट वाले सीन्स को एनिमेशन से खुद ही एडिटिंग के जरिए क्रिएट किया जाता है और इन सभी सीन्स में एडिटिंग पार्ट बहुत ही बारीकी से की जाती है जिससे ये सभी नकली सीन्स असली की तरह विजिबलाइज होता है। तो इस तरह से फिल्मों में कार ब्लास्ट या फिर कार में लगी आग का वीडियो फिल्माया जाता है क्योंकि महज 10 सेकंड की इस वीडियो के लिए अगर असली कार में आग लगा दी जाए तो इससे पैसे का नुकसान तो होगा ही, साथ ही साथ जान माल की क्षति भी हो सकती है। तो आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि फिल्मों में कार ब्लास्ट का सीन या फिर कार में लगी आग का सीन कैसे फिल्माया जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही इंफोटेनमेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।